महागामा विधानसभा चुनाव को लेकर महागामा के कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह ने आज अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल कर दिया, जहां अनुमंडल कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा दिखाई पड़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह नामांकन दाखिल करने के बाद सड़क मार्ग से होते हुए राजेंद्र स्टेडियम पहुंची, जहां जनसभा को संबोधित भी की। मौके पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी शामिल हुई। नमस्कार, मैं अंकुश है, आप रफ्तार मीडिया देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव चल रहा है, नामांकन चल रहा है, ऐसे में महागामा के कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह आज अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल की है। उसके बाद महागामा के राजेंद्र स्टेडियम में ही आज जनसभा का कार्यक्रम रखा गया था। ये कार्यक्रम जो है वो अभी चल रहा है, उसके बाद आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पे जो है वो वीडियो चल रहा होगा। आपको हम तमाम जो है कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह से भी वो हम सुनवाएंगे, तमाम कुछ लोगों से हम बात करते हैं और आपको हम जानते हैं कि क्या कुछ इस बार माहौल है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गौतम ताती। इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो जो भी है, बीजेपी से अशोक भगत है, कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह है और अन्य पार्टी है, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है, किसको वोट कीजिएगा? वोट उठ तो जो भी है, इस तरह तो सिलसिला चलते आया था और चलता ही रहेगा, लेकिन इस बार हमारा मैडम जो हमारा मतलब महागामा विधानसभा में फोकस कीजिएगा जो कारोबार किया, मतलब काम वम किया, उससे हमारा जनता बहुत खुश है। और इस तरह अगर जो हमारा समाज में काम होता रहेगा तो फिर हमको रोने का कोई जरूरत और गरीबी झेलने की। अच्छा, तो आपके घर में मैया सम्मान योजना का पैसा? हाँ, ऐसा तो मिला है। अच्छा। लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आता है, जिससे से ग्रामीण का मतलब छोटा मोटा रोड वेड ये सब ना होता है, इस सब लिए थोड़ा इधर आप देखिएगा, तो ये सब थोड़ा थोड़ा के लिए मान लिया जाओ तो बड़ा आदमी है, इतना ध्यान नहीं दे सकता। तो आप, हम आपको स्टेज पर लेके जा रहे हैं और आपको हम जो प्रत्याशी है उनसे भी हम बात कराएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहें।